या सगळ्या जे काही घोटाळे आहेत त्याचं चौकशी आता करू, पण जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करू। जो कलम द्यायला पाहिजे होता तो दिला गेला नाही, यांच्याकडे सांगितलं, पण हा जो हेच महत्वाचं ना, म्हणजे हा कुठचं हे कुठचं लॉजिक आहे की संपूर्ण काम होण्याच्या आधीच तुम्ही रंगरंगोटीला सुरू करता आणि फिनिशिंग करता। आता म्हणजे इथेच बाहेर जर पाहिलं आपण बीकेसी मधून जी मेट्रो जाते ती देखील अर्धवटे असून पूर्ण झालेली नाहीये, लाईन 6 असेल अर्धवटे, पण रंगरंगोटी करण्याची गरज काय? डीप नेटकेपणा आम्ही समजू शकतो, स्वच्छता आम्ही समजू शकतो, पण एवढं मोठं कॉन्ट्रॅक्ट त्याच्यावर एस्केलेशन देऊन 74 कोटीचं एस्केलेशन, हे पैसे कोणाचे? ते जनतेचे पैसे आहेत, त्यांच्या खोक्यातले पैसे नाही आहेत। पण मग जर स्थानिक जनतेसाठी पैसे नसतील यांच्याकडे, शेतकऱ्यांसाठी नसतील, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नसतील, पोलीस हाऊसिंगसाठी नसतील पैसे, मग हे पैसे कॉन्ट्रॅक्टर्सच्या खिशात जातात कसे? हा देखील एक मोठा विषय झालेला आहे राज्यामध्ये। काम पूर्ण झाल्यानंतर परत कलम करायलाच लागणार आहे, करायलाच लागणार आहे, म्हणजे रंग म्हणजे काम पूर्ण झाल्यानंतर हे 74 कोटी आहेत ते फुकट, त्याच्यावर अजून त्यांना करायला लागणार। बघा, मी ह्याला पण ऑब्जेक्शन घेत नाही, रंगरंगोटी करायची नाही करायची, एस्थेटिक काय ठेवायचे, कलर स्कीम काय ठेवायचे, हा निर्णय टेक्निकल असतो आणि एस्थेटिक वाईज असतो, पण काम पूर्ण व्हायच्या आधी तुम्ही फिनिशिंगचा टेंडर काढता आणि 74 कोटी त्याचं जोडून टाकता, हे कसं कुठचं राज्य आहे, कसं चालतं हे शासन? ह्याच्यात फायनान्स मिनिस्ट्रीने काही लिहिलंय की नाही की हे एकनाथ शिंदेंचं खातं म्हणून कोणी काही लिहित नाहीये, नुसतं सगळे खात आहेत। आज एक धक्कादायक चीज सबके सामने लाना चाहता हूँ, मुंबई में काफी सारे मेट्रो वर्क चल रहे हैं और इन्हीं मेट्रो वर्क्स में मेट्रो का काम पूरा होने से पहले भी, गर्डर लॉन्चिंग होने से पहले भी टेंडर निकाले गए हैं लगभग 74 करोड़ के, 74 करोड़ के, और इन्हीं 74 करोड़ में जो पैसा उड़ाया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर्स पर उड़ाया जा रहा है। आज जो भाजपा सरकार है, एकनाथ शिंदे सरकार है, कहती है किसानों के लिए कोई अगर तकलीफ हो तो मदद करने के लिए पैसा नहीं है, पुलिस हाउसिंग के लिए कहते हैं पैसा नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पैसे नहीं है, कोई भी नागरिकों के विषय हो, जनता के विषय हो, तो भाजपा और एकनाथ शिंदे कहते हैं कि पैसा नहीं है, हम संभल के चल रहे हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर्स का विषय हो तो पैसा तो बहुत है इनके पास, 74 करोड़ की एस्केलेशन सिर्फ पेंटिंग जॉब में, जिसमें काम पूरा भी नहीं हुआ, काम पूरा होने पे वापस एक बार ऐसे ही टेंडर निकालना पड़ेगा, और ये तो 74 करोड़ का है, उसका लगभग दुगना हो जाएगा क्योंकि पूरा गर्डर का भी पेंटिंग तो बाकी है और ऐसे पेंट लगाए जिसको सीएमआरएस ने 2022 में ऑब्जेक्शन दिया है। तो ये कौन सी बात है, क्या बात है, कैसे सरकार चल रही है या चल रही थी अभी तक, यही सबसे बड़ा विषय बन चुका है। चुनाव प्रचार का भी आखिरी दिन है, कल हमने देखा कि आप लोग जब से चुनाव प्रचार हुआ उसमें कई सारी बातें कही गई, आप लोग बार बार चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग जेल भेजेंगे, किसे जेल भेजेंगे, क्यों भेजेंगे? जेल जो भ्रष्ट लोग हैं सरकार में उन्हें तो जेल भेजेंगे, जो लोग जिन लोगों ने नागरिकों पे दादागिरी की है, गुंडागर्दी की है, चिंदी चोरी की है, हैरान किया है, कभी कोई नर्सरी स्कूल से 50,000 रुपए लेता है, कभी कोई इंडस्ट्रीज को भगाने के लिए पैसा लेता है, कभी स्क्रैप के माफिया बनते, कभी ड्रग के माफिया बनते, इनको तो हम जेल भेजेंगे ही, लेकिन फ्री एंड फेयर प्रोसेस के बाद, कोई विंडिक्टिव प्रोसेस नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी चीज इसमें अहम है कि आप देखें तो मुंबई में हो या महाराष्ट्र में हो, कल ही पंकजदाई मुंडे ने ये बात कही है कि लगभग 90,000 लोग गुजरात से आए हैं मुंबई और महाराष्ट्र को प्रभावित करने के लिए, यानी एक ही बात तय है कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी चुनाव जीतेगी तो महाराष्ट्र की जीत होगी, अगर महाराष्ट्र में भाजपा जीतेगी या एकनाथ शिंदे जीतेगी तो गुजरात जीतेगा, ये ऐसे बात अभी स्पष्ट हो चुकी है। पंकज चौधरी ने तो ये बात कल कह दी सभा में कि गुजरात से 90,000 लोग आए प्रचार के लिए महाराष्ट्र में, क्यों आए?